होगा हमारा। सर। मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं और फिर मैं आपके साथ मुखातिब होता हूं। स्क्रीन सबको दिख रहा है हमारा? ग्रेट। यस सर, यस सर, एंड आई एम लाउड एंड क्लियर, राइट? ऑडिबल। तो यस सर। हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है उसमें फिर से मैं एनआईसी नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं फॉर्मली। और ये आज का सब्जेक्ट है, जैसा आप सब लोगों ने समझा है कि मैं गोयंग न्यूट्री म्यूनो नाम के प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। और मैं बताने वाला हूं कि ऐसा क्या खास है इस न्यूट्री म्यूनो में जो कि इसको एक एकदम खास प्रोडक्ट बनाता है हर व्यक्ति के लिए। ये ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर जिसको कहते हैं, ऊड बोलते हैं, वो चीज बनता है। ये क्यों बनता है इसकी बात करते हैं। और ये पूरा कुछ हम नेक्स्ट मनी हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव के तहत प्रेजेंट कर रहे हैं आपको। और एक अगला जो 45 मिनट्स होगा, मे बी अबाउट 30-35 मिनट्स में आपसे बातें करूंगा इस चीजों को बताने के लिए। और उसके बाद मैं एक क्लियर एक 10 से 15 मिनट आपको देना चाहता हूं जहां पे आप अपने सवाल लाइव पूछ सकते हैं। आपने सवाल बीच में जो आएंगे उसको नोट करके रखें माइंड में, पेपर में, और आप हैंड रेज करें, हम रेज सर आपको मौका देंगे और हम जो है आपके सवाल का जवाब लाइव देंगे। Let's get started with ये गोयंग न्यूट्री म्यूनो एक प्रोडक्ट है जो पाउडर फॉर्म में है, 500 ग्राम का पाउडर फॉर्म में है। ऐसा क्या खास है इस प्रोडक्ट में, ऐसी क्या स्पेशलिटी है इस प्रोडक्ट की, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फॉर कंप्लीट हेल्थ। इसका टैगलाइन समझ लीजिए कि इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे। तो ये प्रोडक्ट किसी चीज की कोई दवा नहीं है, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, ये क्या है, तो ये एक बैलेंस न्यूट्रिशन है, संतुलित पोषण है फॉर कंप्लीट हेल्थ। तो हर व्यक्ति के लिए हुआ संतुलित पोषण। तो समझते हैं कि संतुलित पोषण क्विकली क्या है। पोषण तो एक चीज हुई, आप जानते हैं पोषण, कोई पोषण जानते हैं, पोषण जानते हैं, संतुलित पोषण क्या है। संतुलित पोषण का मतलब ये हुआ कि हर वो चीज जो चाहिए शरीर को, दो चीजें चाहिए, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो है मैक्रो आपके तत्व हो गए। और माइक्रो का मतलब वो विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ट्रेस एलिमेंट्स हो गए, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, वो सारी सारी चीजें जो हैं वो माइक्रो हो गई। तो ये मैक्रो और माइक्रो आपको एक बैलेंस संख्या में चाहिए, कोई ज्यादा नहीं चाहिए, कोई कम नहीं चाहिए, और एक दूसरे से सब कनेक्टेड है और एकदम बारीकी से कनेक्टेड है। मान लीजिए कि एक चीज बहुत ज्यादा है और कोई चीज कम है तो वो दूसरी चीज से उसका कोई फायदा नहीं है, मतलब वो कहीं पे वो फ्लश आउट हो जाएगा, कहीं पे इस्तेमाल में नहीं आएगा। इस तरीके की चीजें, जैसे टेक्निकली ज्यादा जाने के बजाय एक ले मैन एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो यदि समझ लीजिए कि आयरन एक तत्व है, लोहा, लौह एक तत्व है शरीर के लिए। आयरन की कमी महिलाओं को ज्यादा होती है और आयरन की एक बात है, लेकिन आयरन के लिए एक फेरिटीन नाम का तत्व है जो एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, मतलब फेरिटीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। आपकी बॉडी में फेरिटीन होता है और यदि आप फेरिटीन की मात्रा नहीं है बॉडी में तो आयरन आपकी बॉडी में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फेरिटीन का काम है, जो एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन का एक प्रकार है फेरिटीन, उसका काम है आयरन को संग्रहित करना और शरीर में जब जरूरत पड़े तो उसको डिलीवर करना, मतलब उसको बैंक की तरह रखना संजो के और उसको फिर डिलीवर करना, ये उसका काम है। अब फेरिटीन ही नहीं है तो आपका आयरन आएगा और फ्लश आउट होके बाहर जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये आयरन, फेरिटीन जो है प्रोटीन से कनेक्टेड था, अब समझिए कि वो फेरिटीन या प्रोटीन की वो मात्रा यदि आपके शरीर में नहीं है तो आयरन आपके शरीर में कम होएगा, जबकि आयरन आप ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक तत्व दूसरे तत्व से कनेक्टेड है, ये पूरा का पूरा एक मेटाबोलिज्म है, ये पूरा का पूरा शरीर का एक प्रचालन का प्रोसेस है जो पूरा का पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है सब जगह पे। पॉइंट क्या है? तो पॉइंट है आपका बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये जो पोषण है वो जो है बैलेंस्ड होना चाहिए, जितना जो चाहिए उस मात्रा में सबको मिलना चाहिए, वो वाली एक चीज है। एक दूसरा शब्द है आरडीए। आरडीए को कहते हैं रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस, रिकमेंडेड अनुमोदित डायट्री अलाउंस, कि एक शरीर को प्रचालन के लिए साइंस के हिसाब से कौन सी चीज कितनी मात्रा में चाहिए उसको कहते हैं रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस। ये रिकमेंड की गई है, अनुमोदित की गई है, और इसमें सारा कुछ है, मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं,
सारा कुछ का एक एक अनुमोदित मात्रा है पूरा का पूरा। सवाल ये उठता है कि वो अनुमोदित मात्रा हम रोज की डे टू डे लाइफ में ले पाते हैं क्या? यदि नहीं ले पाते हैं तो हम किन किन चीजों से चूक जाते हैं, किन किन चीजों से वंचित रह जाते हैं, वो एक सब्जेक्ट है। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैंने दो शब्द लिखा है, निरोगी और दीर्घायु। निरोगी का मतलब डिजीज फ्री लाइफ और दीर्घायु का मतलब लॉन्जिविटी, लंबा जीना है। निरोगी रहेंगे तो ही लंबा जिएंगे, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। बट सिंपली इन दोनों शब्दों को यदि लिया जाए कि निरोगी होना और दीर्घायु होना, इन दोनों चीज के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है न्यूट्रिशन, पोषण, संतुलित पोषण, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। इन दोनों बातों के लिए जरूरी है। यदि न्यूट्रिशन सही सही है तो आप निरोगी रहेंगे। कुछ चीज ज्यादा नहीं लिया है, कुछ चीज कम नहीं लिया है, बैलेंस्ड है तो निरोगी रहेंगे और फिर दीर्घायु भी रहेंगे। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा डिजीज, यदि ज्यादातर डिजीज की बात करें, बीमारियों की बात करें, तो वो जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होती है। कोई चीज की कमी हो गई तो वो बीमारी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास विटामिन डी, जिसको सनशाइन विटामिन कहते हैं, सूरज की रोशनी से हमें मुफ्त में मिलता है, फ्री में मिलता है। लेकिन आज की डेट में ये आंकड़ा है कि यदि आप 10 लोगों का ब्लड टेस्ट कराएं तो आपको 7 से 8 लोग, नोट माई फिगर, 7 से 8 लोग, क्योंकि 8.5 का फिगर है, मतलब 8 से ज्यादा लोग विटामिन डी डेफिशिएंट मिलते हैं, जिनको विटामिन डी की कमी है। अब विटामिन डी कनेक्टेड है आपके बहुत सारी चीजों से, आपके हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, धमनी के प्लाक जमने से कनेक्टेड है, आपके लिपिड प्रोफाइल से कनेक्टेड है, आपकी ज्वाइंट पेन से कनेक्टेड है, आपके आर्थराइटिस से कनेक्टेड है, बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है, आपके लॉन्जिविटी से भी कनेक्टेड है, आपके यंग होने और नहीं होने से भी कनेक्टेड है। तो क्या कमी है? 80% लोग भारत में, 75-80% पीपल हैव गॉट विटामिन डी डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी तो एक विटामिन डी की बात होगी, वैसे बहुत सारी विटामिन की बात होगी, बहुत सारे मिनरल स्ट्रेस एलिमेंट्स की बात होगी। तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। यदि कोई चीज की कमी हो गई तो उसकी वजह से बीमारी होती है। अब बीमारी को भी दो टुकड़े में यदि आप करें तो डिजीज की बात करें और डिस ईज की बात करें, स्पेलिंग सेम रखें, ई को कैपिटल करें, तो डिस ईज हो जाएगा। तो डिस ईज का मतलब हुआ कि हमको चैन नहीं है, ईज नहीं है, आराम नहीं है, या मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा। कैसा डिस ईज किसको कहेंगे? आपको ठीक से नींद नहीं आती, रात में नींद खुल जाती है बीच बीच में, डिस ईज हुआ। नींद लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मशक्कत करना पड़ता है, तो डिस ईज है। सुबह उठते समय आंख खुलता नहीं है, लगता है कि और थोड़ा देर और सोता हूं, पड़े रहता हूं, डिस ईज है। फ्रेश नहीं उठ रहे हैं, डिस ईज है। आप यदि थकान महसूस करते हैं, डिस ईज है। दिन में सोते हुए फीलिंग आती है कि सो जाते हैं थोड़ा, डिस ईज है। एनर्जी लेवल कम महसूस होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, डिस ईज है। भूख बहुत ज्यादा लगती है, जरूरत से ज्यादा लगती है, डिस ईज है। भूख कम लगती है जरूरत से, डिस ईज है। सर भारी हो जाता है, चक्कर आता है, हफ्ते में 2-3 बार सरदर्द हो जाता है, सारा कुछ डिस ईज है। मतलब क्या हुआ है? डिजीज नहीं हुआ है, डॉक्टर ने चेक नहीं किया है, आप डॉक्टर के पास गए भी नहीं है, दवाई भी नहीं लिखी है, लेकिन डिस ईज हुआ है। डिस ईज का मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी तकलीफ है जो बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है। बॉडी इज गिविंग यू सिग्नल कि ये प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। आप उस सिग्नल को रीड करें या इग्नोर करें, कुछ तो हो रहा है लेकिन बॉडी सिग्नल दे रहा है, इसको डिस ईज कहेंगे। तो चाहे वो डिजीज हो, और डिजीज कब कहेंगे? जब उसको जाके आपने डॉक्टर को दिखाया, चेकअप कराया और डॉक्टर ने दवाई लिखा और कहा कि ये बीमारी है, तो डिजीज उसको कहेंगे। और लेकिन जब तक वो नहीं हुआ है तब तक शरीर सिर्फ सिग्नल दे रहा है, इशारा कर रहा है, तो उसको डिस ईज कहेंगे। चाहे वो डिस ईज हो, चाहे वो डिजीज हो, दोनों के दोनों न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। दोनों के दोनों न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको कोई हल्की फुल्की डिसकंफर्ट आ रही है, तकलीफ आ रही है, कहीं ना कहीं कोई तत्व की कमी हो रही है, वहां से मामला शुरू हुआ है और जाके वो डिजीज में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए WHO का आंकड़ा है जो मैंने स्लाइड पे आपके लिए लिखा है। WHO कहता है कि अबाउट 40% ऑफ डिजीज, 40% जो बीमारियां हैं वो ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी बीमारियों को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को रोक के रोका जा सकता है।
तो ये एक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की बात हुई। अब बात करते हैं कि जो संतुलित पोषण, जो बैलेंस न्यूट्रिशन की हमने बात की, वो संतुलित पोषण जो है वो आज की जिंदगी में मिसिंग क्यों है, गायब क्यों हो गया है, या उसकी कमी क्यों हो रही है? संतुलित पोषण आज की जिंदगी में नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा, उसका ऐसा क्या कारण है? बहुत सारे कारण है। हो सकता है 2-4-5 लोगों को संतुलित पोषण मिलता भी हो, बट डाउट कि किसी को मिलता होगा, क्योंकि जो जितना रिच एंड फेमस है, जितना ज्यादा एडवांस्ड है, जितना ज्यादा अर्बन है, संभ्रांत है, उतना ज्यादा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में जा रहा है। आप यदि हेल्थ चेकअप कराएं तो आपको पता चलेगा कि जितना ज्यादा जो एडवांस है उसकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी उतना ज्यादा है। शहरों में जितने ज्यादा लोग हैं उनकी विटामिन डी डिफिशियंसी सबसे ज्यादा है। शहरों में ज्यादा लोग हैं उनको लिपिड प्रोफाइल सबसे ज्यादा गड़बड़ है, उनकी किडनी, लिवर, रीनल सब में प्रॉब्लम है, लेकिन गांवों में शायद थोड़ा बेहतर है। तो समझते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से बैलेंस न्यूट्रिशन या संतुलित पोषण आज के समय में, आज की जिंदगी में मिसिंग होता जा रहा है। तो कुछ कारण मैंने आपके सामने स्लाइड पे रखे हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं अगले 2 मिनट में। पहला कारण है कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हमारे फूड का, जो 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 पोषक मूल्य है हमारे खाद्य पदार्थों में, वही कम होते जा रहा है, क्योंकि मिट्टी में ही पोषण नहीं है। अभी जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो आपके चीजें हैं, वो सब बड़ी बड़ी हैं, फैली हुई हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में हैं, देखने में कलर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके अंदर पोषण की मात्रा कम है। एक NIN के डेटा के हिसाब से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के डेटा के हिसाब से, आप यदि आज से 15 से 20 साल पहले का, 25 साल पहले का 4 कटोरी दाल ले लें, दाल, और आज का, पहले का 1 कटोरी दाल लें और आज का 4 कटोरी दाल लें, पोषक मूल्य सेम है। मतलब ये हुआ कि दाल के अंदर पोषक मूल्यों का ह्रास हुआ है, डिटोरिएट हुआ है। तो ये सिर्फ दाल पे सीमित नहीं है, आप हर चीज की बात करिए, हर जगह पे पोषक मूल्य कम हुए हैं, और हमने अपने तरीके से भी पोषक मूल्य कम किए हैं, क्योंकि हमने उसको रिफाइन कर दिया। राइस जैसे पहले आता था, बॉइल्ड राइस आता था, उसना चावल आता था, कोई और तरीका से आता था, ब्राउन राइस आता था, अभी हमने उसको हटा दिया, छिलका निकाल दिया, पॉलिश कर दिया, दाल को भी पॉलिश कर दिया, सब कुछ, सब पोषक मूल्य हमने हटा दिए, हमने उसको रिफाइन करके फैशनेबल बना के रख दिया। ज्वारी, बाजरी, रागी, इस तरह के जो हमारे अनाज थे, जो सबूत अनाज में बहुत सारा कुछ पोषण था, उस सब चीजों को हमने त्याग कर दिया। हम जो है एडवांस फूड में चले गए, जो कि प्रोसेस्ड फूड है, रिफाइंड फूड है और चमकदार फूड है, तो उसमें पोषक तत्वों की मूल्य कम होती चली गई, और जैसा मैंने बताया मिट्टी में ही कम हो गया, तो वो कम हो गया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अनहेल्दी फॉर्मेट्स ऑफ डाइट, डाइट के फॉर्मेट चेंज हो गए, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू मिक्स, इस टाइप के सामान आ गए। आपके फ्रिज को खोलेंगे तो डोर में सारा रेडी टू मिक्स सामान भरा होगा, आप जो है हर चीज को डाल के तुरंत बना सकते हैं, 2 मिनट में आप पोहा बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो सिस्टम ऐसा हो गया कि हर कुछ रेडीमेड है। आटा जो पीस के आप यूज करते थे, उसके बजाय पैकेट में आटा रखा हुआ है, पीसा हुआ है 3 महीने पहले, एक्सपायरी डेट डली हुई है 2 महीने बाद तक की, और आपने जब जरूरत हुआ तो ले लिया, उसमें वो पोषण मूल्य नहीं है। आपने जो आयल लिया, वो आयल कोल्हू में जब पेड़ा था, तब जो वो आयल बनी थी, उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा थी, उसमें जो पोषक तत्व थे, वो उसके 5 दिन के बाद कम हो गया, 10 दिन के बाद और कम होगा, और आपने उसको 1 साल के बाद इस्तेमाल किया है, रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड आयल, एडवर्टाइज के साथ, किसी फिल्म एक्टर ने एडवर्टाइज किया है और फिर आपने इस्तेमाल किया है, तो उसके पोषक मूल्य बहुत कम हो गए। तो किसी को हम चेंज नहीं कर सकते इस सिचुएशन को, बट आज की लाइफ में क्या क्या हुआ है, तो ये सब चीजें हुई हैं कि फॉर्मेट जो खाने का है वो अनहेल्दी हो गया है। हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन हम उसी गेहूं का मैदा यूज कर रहे हैं, कोई और चीज यूज कर रहे हैं, तो हमारे फॉर्मेट चेंज हो गए। अनटाइमली और स्किप्ड मील की सिचुएशन है कि हमारा जो भोजन है वो समय पर नहीं होता, हम जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट नहीं करते, टाइम पे खाना नहीं खाते, लंच टाइम पे नहीं करते, डिनर टाइम पे नहीं करते, और स्किप करते हैं क्योंकि हम बिजी रहते हैं, बहुत सारे मीटिंग में बिजी रहते हैं, बिजनेस में बिजी रहते हैं, ऑफिस में बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, तो खाना ही रह जाता है। पहले खाना किसका रहता था, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, अब खाना उसका रहता है जिसके पास बहुत पैसे हैं जेब में, लेकिन वक्त नहीं है, तो खाना स्किप हो जाता है, तो वो एक न्यूट्रिशन मिसिंग है। और लास्ट पॉइंट जो है वो है मेथड इन विच वी टेक द डाइट, हम जिस मेथड से डाइट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पनीर खाना चाहते हैं, लेकिन आप पनीर नहीं खाते, आप पनीर का पकौड़ा खाते हैं, तो पनीर की जो अच्छाइयां थी उसको आपने 3 बार तल के उसको दूसरी जगह पे भेज दिया, उसके साथ टॉक्सिक भर ली बहुत सारी।
आपने कोई भी चीज लिया उसको बहुत सारा शक्कर डाल के ये डाल के आपने कोई यदि नॉन वेज खाने वाले हो तो नॉन वेज को बनाने का भी जो तरीका है वो बहुत सारा यू नो कैलोरी ऐड करके मसाले ऐड करके ऑयल ऐड करके फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं उसको कोलेस्ट्रॉल के साथ उसको ऐड करके हम लेते हैं। तो कोई भी डाइट का एक तरीका हुआ कि हम किस फॉर्मेट में खाते हैं और खाने का एक फॉर्मेट भी चेंज हो गया कि अब हम बैठ के शांति से खाना का मूड में आके नहीं खाते, अब हम खाना टीवी देख के खाते हैं, फोन पे बात करके खाते हैं, मीटिंग करके खाते हैं, चलते चलते खाते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, किसी दूसरे फॉर्मेट में खाते हैं। तो जो मेथड है खाना खाने का वो भी चेंज हो गया। तो ये पूरा कुछ यदि देखेंगे तो ये बच्चों में, यंग पीपल में, हमारे आपके जैसे भागदौड़ जिंदगी जीने वाले लोगों में ये पैटर्न बहुत ज्यादा तेजी से बदला है, पिछले 10-20 साल में बहुत बदला है और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वही नॉर्मल हो गया है। शांति से बैठ के बढ़िया सा न्यूट्रिशनल फूड आपने कभी बहुत बिरले खाया होगा, तो इसलिए ये जो खाने का फॉर्मेट है वही चेंज हो गया। अब एक और तत्व पे चीज पे चर्चा करते हैं कि फैक्टर्स जो हैं, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशन को ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रही है, मांग रही है। हमारा शरीर पहले जितना न्यूट्रिशन मांगता था 20-25 साल पहले, उससे कई गुना ज्यादा न्यूट्रिशन अभी मांग रहा है। और बात उल्टा हो गई है, पहले एक कटोरी दाल लेते थे तो उतना न्यूट्रिशन पूरा होता था, अभी 4 कटोरी में भी पूरा नहीं हो रहा है और 4 कटोरी आप ले भी नहीं रहे, आप तो आधा कटोरी ले रहे हैं और उस दाल के अंदर दाल नहीं है। तो हुआ ऐसा कि सब्जी के अंदर सब्जी नहीं है, पहले आप सब्जी बनाते थे, सब्जियां खाते थे, आज आप बढ़िया होटल में 5-स्टार होटल में सब्जी मंगा लीजिए, अपने घर में सब्जी ले लीजिए, आपके सब्जी में सब्जी कहाँ है ढूंढ के निकालिए। तो बेसिकली क्या हुआ कि उसमें वैरायटी चेंज हो गई, डिजाइन बन गया, स्टाइल बन गया, रेसिपी बन गई, लेकिन सब्जी के अंदर के तत्व गायब हो गए, सब्जी की क्वालिटी गिरती चली गई और मात्रा गिरती चली गई। तो पहले जितना लेते थे उससे कम लेने लग गए, और लेना कितना था, ज्यादा लेना था, अब जो है शरीर ज्यादा न्यूट्रिशन मांग रहा है। क्यों ज्यादा मांग रहा है उसके लिए कुछ कारण है। पहला कारण है टॉक्सिन्स, पहले इतने टॉक्सिन नहीं थे जितनी टॉक्सिन आज है। आज जो है राइट फ्रॉम मॉस्किटो रिपेलेंट टू समथिंग, आपके घर में पेस्ट कंट्रोल हुआ पड़ा है, आपके पास सारा कुछ टॉक्सिक भरा हुआ है, आपने डीओ स्प्रे लगाया है, आपने केमिकल पेस्टिसाइड यूज किया हुआ है, आप जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रेश जो भी कुछ ले रहे हैं उसमें केमिकल रेसिड्यू है, उसमें पेस्टिसाइड के अंश हैं, वो सारा कुछ आ रहा है, आपका कोई चीज शुद्ध नहीं है, टॉक्सिक सब जगह पे टॉक्सिक मिल रहा है आपको। पहले ये नहीं मिलता था, 20 साल पहले ये नहीं मिलता था, 25 साल पहले ये नहीं मिलता था, अब ये बढ़ता जा रहा है। दूसरा हुआ इंक्रीजिंग स्ट्रेस इन टूडेज लाइफ, आज के समय में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, शरीर को उस स्ट्रेस को नलिफाई करने के लिए, उस स्ट्रेस से डील करने के लिए पोषण की मात्रा ज्यादा चाहिए, और यहां उल्टा हो गया, पोषण की मात्रा कम हो गई। तीसरी बात है पोल्यूशन, पहले इतना पोल्यूशन नहीं था, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आपका पूरा पोल्यूशन जो था वो पहले इतना नहीं था जितना अभी हो गया। तो उस पोल्यूशन से लड़ने के लिए और उससे कोप अप करने के लिए शरीर को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए ताकि उसका मुकाबला कर सके, लेकिन उल्टा हो रहा है, न्यूट्रिशन हम कम ले रहे हैं। EMR की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये पहले नहीं था, ये अभी आ गया, ये सब हमारे सामने, जेब में दो दो फोन रखा हुआ है, यहाँ पे लैपटॉप है, आप किचन में खड़े हैं तो माइक्रोवेव ओवन है, आप टीवी के सामने बैठे हैं तो टीवी है, आप जहां पे भी हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रडार में है, आप घर में बैठे हैं तो वाईफाई का सिग्नल चल रहा है, हर जगह पे आप मोबाइल सिग्नल चल रहे हैं, आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से घिरे हुए हैं। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पहले जब हम एक्सरसाइज करते थे, मेहनत करते थे, तो बहुत सारे तरह के एंजाइम निकलते थे, बहुत सारे तरीके के शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते थे और उसकी वजह से बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बढ़िया सा संचालन होता था। अब चूंकि हम सेडेंटरी हो गए हैं तो बहुत सारा चीज का एक्सप्रेशन करने के लिए, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को फंक्शन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत है, बिकॉज आप वो सब करके पसीने बहा के कुछ नहीं कर रहे। तो ये सब कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर और ज्यादा न्यूट्रिशन मांग रहा है, और यहाँ काम उल्टा हो गया है कि आपकी न्यूट्रिशन जो है पहले से कम हो गई है, लेने का तरीका पहले से कम हो गया है, तो ये उल्टी बात हुई है। और वो क्यों कम हुआ है, ये सारा कुछ आपको जो है ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन लेने की बात करता है डेली लाइफ में, और वो आज की तरीके में बहुत डिफिकल्ट है। मैंने एक पिक्चर आपके सामने रखा है जिसमें आप देखेंगे तो ये जो चीजें हैं वो हमारा पसंदीदा आहार है, क्योंकि हम जो है करी के पीछे भागते हैं, हम अपने टेस्ट के पीछे भागते हैं, हम अपने कन्वीनियंस के पीछे भागते हैं कि आराम से क्या मिल सकता है, इजी तरीके से क्या मिल सकता है, कम समय में क्या खाया जा सकता है।
ये तो इतना खाने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए जिस चीज का आविष्कार हुआ उसका नाम है फास्ट फूड। फास्ट फूड मतलब जल्दी जल्दी खाया जा सकता हो, जल्दी जल्दी खाया जा सकता हो। तो फास्ट फूड सारे कुछ हो चुके हैं, आपके किचन में भी फास्ट फूड का बोलबाला है, बच्चों के पास, आपके खुद के पास। जो टेस्ट की बात की जाए या पसंद की बात की जाए, चॉइस की बात की जाए, तो पूरा का पूरा फास्ट फूड का बोलबाला है। और वो सारा का सारा फास्ट फूड न्यूट्रिशन में बहुत नीचे आता है, बहुत नीचे आता है। बाकी के नुकसान जो है वो अलग है, बट न्यूट्रिशन में वो बहुत नीचे 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 आता है। तो क्या हुआ, आज के समय में जरूरत ज्यादा न्यूट्रिशन की है उल्टा, और हम ले रहे हैं बहुत कम न्यूट्रिशन पहले के बनिस्पत। इसीलिए हमारे पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी, या जो आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स होंगे, उन लोग ज्यादा स्वस्थ हैं। अभी भी उन लोग का स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा है बनिस्पत की हमारे आपके उम्र के लोग, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम जो चीज खा के आए हैं 20 साल में, उन लोगों ने वो नहीं खाया था, उन लोगों ने शुद्ध खाया था, उन लोगों को कोई पोल्यूशन नहीं मिला था, बढ़िया सब लिया था। तो वही है संतुलित पोषण, जिसकी बात मैं इतने स्लाइड्स में आपके साथ कर रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड से, और अब हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। पोषण तो मैंने बताया, संतुलित पोषण की बात हो गई, और ये जंक फूड और फास्ट फूड और बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिला इसकी भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक जिंक की एग्जाम्पल लेते हैं। जिंक जो है, जिसको जस्ता कहते हैं, वो शरीर के लिए एक न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। शरीर को जिंक की एक मात्रा चाहिए। कितनी मात्रा चाहिए जिंक की? तो 11 मिलीग्राम, एक व्यक्ति को 11 मिलीग्राम जिंक हर दिन चाहिए, ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। एवरेज एक आदमी को इतना चाहिए। और उस जिंक में एक्चुअली क्या करना चाहिए, तो जिंक करता क्या है? तो जिंक जो है आपके प्रोटीन के लिए निर्माण में मदद करता है, आपके डीएनए के निर्माण में मदद करता है। जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है जो शरीर को चाहिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है आप समझेंगे। तो जिंक जो है 300 से ज्यादा एंजाइम्स को बनाने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। शरीर के अंदर आपके 300 से ज्यादा एंजाइम के बनाने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है जिंक। तो जिंक होना इतना जरूरी है, इतना कि जिंक यदि कम हुआ तो आप जो है मेंटली डिप्रेस हो सकते हैं, आप जो है इरिटेट हो सकते हैं, बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो इसका माइंड से भी कनेक्शन है। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूं कि जिंक इतना जरूरी है, और जिंक की मात्रा मैंने आपको बताई कि जिंक का एक रिक्वायरमेंट एक आदमी के लिए 11 मिलीग्राम प्रतिदिन है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस जिंक को, कि उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको यदि जिंक 11 मिलीग्राम रोज चाहिए बैलेंस न्यूट्रिशन लेने के लिए, संतुलित पोषण लेने के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जिंक बहुत सारी चीजों में पाया जाएगा। ये जो जिंक है आपके मीट में मिलेगा, पोल्ट्री में मिलेगा, अंडा में मिलेगा, दूध डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा, नट्स में मिलेगा, आप आलमंड्स या जो भी कुछ वो क्या बोलते हैं मगज या जो वॉलनट कहते हैं, या जितने भी नट्स होते हैं उसमें मिलेगा, मीट में मिलेगा, लेंटिस में मिलेगा, तो बहुत सारी चीजों में ये पाया जाएगा। पालक में मिलेगा, सब्जियों में मिलेगा, मूली में मिलेगा, तो जिंक बहुत सारी चीजों में मिलेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, दो सामान लेते हैं, एक पालक लिया और एक मूली लिया। मूली को रेडिस कहेंगे, पालक को स्पिनाच कहेंगे। मूली और पालक दोनों चीजों में जिंक पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा मैंने स्लाइड पे लिखा है। पालक में 0.8 मिलीग्राम जिंक पर 100 ग्राम ऑफ पालक में मिलेगा। 100 ग्राम पालक में 0.8 मिलीग्राम, 0.8 मिलीग्राम जिंक मिलेगा। और यदि मूली की बात करें तो मूली में 100 ग्राम मूली ली जाए, खाई जाए, तो उसमें 0.28 मिलीग्राम जिंक मिलेगा, 0.28 मिलीग्राम जिंक मिलेगा। कितना चाहिए? 11 मिलीग्राम जिंक एक व्यक्ति को हर दिन चाहिए। तो पालक में इतना मिलेगा, मूली में इतना मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना पालक खाना पड़ेगा और कितना मूली खाना पड़ेगा। आप यदि अरिथमेटिक में बहुत अच्छे हैं तो आप कैलकुलेट किए होंगे, कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेट कीजिए। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं यहाँ पे, ये कैलकुलेशन है। उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो करीब 1.5 किलो पालक खाना पड़ेगा रोज, 1.4 kg, और करीब 4 किलो मूली खाना पड़ेगा प्रतिदिन, तो जाके आपको वो 11 मिलीग्राम जिंक मिलेगा। अब मुझे बताइए कि क्या ये संभव है किसी के लिए कि वो 1.4 किलोग्राम पालक खाए या 4 किलो मूली खाए? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है यदि बाकी जिंक की चीजें नहीं ले रहे तो आप जिंक डेफिशिएंसी में जा रहे हैं। अब ये तो जिंक एक एग्जांपल हुआ, जिंक की तरह बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें कि विटामिन्स होगा, ट्रेस मिनरल्स होगा, बल्क मिनरल्स होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन बी होगा, सी होगा, रिबोफ्लेविन होगा, इनासिन होगा, आपका फॉलिक एसिड होगा, बायोटीन होगा जिसको B6 कहते हैं, सारा कुछ होगा। और यदि आप ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो सारा कुछ होगा, क्लोराइड होगा, बोरोन होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा, मैग्नीशियम होगा, निकेल होगा, सेलेनियम होगा, ये सारी कुछ जो है आपके ट्रेस मिनरल्स की तरह हुए। और कुछ बल्क मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है जो आपको नमक से मिलता है, ये सारा सारा कुछ आपको जो है बल्क मिनरल में आता है। तो जिंक की तरह शरीर को उतने सारे विटामिन्स चाहिए, उतने सारे ट्रेस मिनरल्स चाहिए, उतने सारे बल्क मिनरल्स चाहिए, और ये सारा का सारा कुछ चाहिए। तो न्यूट्री म्यूनो में ऐसा क्या खास है वो मैं बताना चाहता था। तो आपको एक लाइन में यदि बताना है तो ये हुआ कि ये सारा कुछ आपके न्यूट्री म्यूनो में तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ है जो आपके दो चम्मच से डेली आपको संपूर्ण मात्रा में, संतुलित मात्रा में मिल जाता है, इस तरीके का प्रोडक्ट। अब इसको समझते हैं आगे बढ़ के कि ये इसका लेबल है, प्रोडक्ट के डब्बे पे जो छपा हुआ लेबल है वो ये है जो मैं आपके स्क्रीन पे रखा हूं। और अब आप लेबल पढ़ना समझिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं, कोई भी बाजार में कोई प्रोडक्ट मिले, कोई भी प्रोडक्ट आपको दिया जाए, लेबल उठाइए, लेबल पढ़िए, लेबल पढ़ना सीखिए। सिंपल बिस्किट हो तो भी लेबल पढ़िए, जूस लिया भी लेबल पढ़िए, लेबल पे लिखा रहेगा कि उसके अंदर क्या क्या है, वो मैंडेटरी है लिखना, और उस पे गलत नहीं लिखा जा सकता, जो है वही लिखना पड़ेगा। तो लेबल पे पढ़िए कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में है और कौन कौन सी चीज है उसके अंदर। तो जब आप इस लेबल को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो बातें मैं कह रहा था उससे कई गुना ज्यादा और उससे कई चीज ज्यादा इस लेबल में मौजूद है। और ये यहां पे आप देख सकते हैं, ये लेबल के अंदर सारा कुछ मौजूद है, राइट फ्रॉम फॉलिक एसिड टू एवरीथिंग इज हियर। तो ये लेबल का डिटेलिंग हुआ। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि इस लेबल से यदि और आगे बढ़ के बात करें तो ये चीज होती है कि आपका जो ये न्यूट्री म्यूनो नाम का प्रोडक्ट है उसका एक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर विटामिन्स हैं, सारे के सारे विटामिन्स हैं, और इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और इसके अंदर जो फाइबर है वो हाई क्वालिटी सोल्यूबल फाइबर है जो पूरी की पूरी तरीके से सोल्यूबल है, और आप उसको दो चम्मच लेके उसका रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। तो न्यूट्री म्यूनो जो एक प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा बैलेंस्ड है, संतुलित है, लोडेड विथ सारे तरीके के तत्वों से है, मैक्रो भी है और माइक्रो भी है। ये न्यूट्री म्यूनो का बात हुआ। अब ये न्यूट्री म्यूनो किस बात के लिए है, यदि आप इसको समझेंगे तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए है, जैसा आपने समझा अभी तक। एनर्जी लेवल के लिए है, आपका एनर्जी लेवल कितना है, आप सुबह में जितना फ्रेश एनर्जेटिक रहते हैं क्या आप शाम तक, रात तक, डे एंड तक उतना ही फ्रेश और एनर्जेटिक रहते हैं? यदि नहीं रहते हैं तो एनर्जी लेवल का मुद्दा है, ये वो एनर्जी लेवल के लिए है। इम्यूनिटी के लिए, इसका नाम ही है न्यूट्री म्यूनो, न्यूट्री मतलब न्यूट्रिशन, म्यूनो मतलब इम्यूनिटी, तो न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये इम्यूनिटी की बात हुई। इसके अलावा ये स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, एक तरीके का स्ट्रेंथ आपके पास होता है किसी भी चीज में, आपके मसल में स्ट्रेंथ होता है, आपके बोन में स्ट्रेंथ होता है, आपके नर्व्स में स्ट्रेंथ होता है, आपके धमनियों में स्ट्रेंथ होता है, हर चीज में एक स्ट्रेंथ होता है, एक स्ट्रेंथ का लेवल होता है। तो आपका जो खुद का स्ट्रेंथ है वो एज के हिसाब से चेंज होता जाता है, उस स्ट्रेंथ को यदि न्यूट्रिशन पूरा दिया जाए तो स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा, वो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और जानते हैं कि इस प्रोडक्ट में और क्या खास है। तो ये न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी है इंटायर फैमिली के लिए, बिकॉज ये मतलब काफी बैलेंस तरीके से बना है, 100% RDA ऑफ न्यूट्रिएंट ये पूरा करता है, जो मैंने बताया रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस, जो अनुमोदित डायट्री अलाउंस है कि ये चीज इतनी मात्रा में हर दिन ली जानी है, वो सारे के सारे RDA जो प्रेस्क्राइब्ड हैं उसको पूरा का पूरा ये डब्बा फॉलो करता है। और इसका जो अनुमोदित डोज है दो चम्मच, वो यदि आप लेते हैं रोज तो आपकी वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ये 100% ऑफ RDA ऑफ न्यूट्रिशन पूरा करता है, क्लेम करके और वो भी डब्बे पे लिख के।
विटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर पूरी की पूरी है और ये इम्यून सिस्टम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से सपोर्ट करता है पूरी फैमिली के लिए। अब हम समझते हैं थोड़ा इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में। बैलेंस न्यूट्रिशन है, एनर्जी लेवल है, इम्यूनिटी है और स्ट्रेंथ है, ये चीज़ तो हमने समझ ली। अब इसको समझते हैं कि इतना खास क्यों है, क्यों हमने कहा कि ऐसा क्या खास है इसमें। खास इसलिए है कि इसमें 44 वाइटल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। एक प्रोडक्ट के अंदर 44 वाइटल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो भारत का पहला प्रोडक्ट है और वो आपका प्रोडक्ट है आपके ब्रांड में। भारत का पहला प्रोडक्ट है जिसमें 44 वाइटल न्यूट्रिएंट हैं। इतनी न्यूट्रिएंट की मात्रा किसी प्रोडक्ट में कहीं पे नहीं है, कभी भी आप चेक कर सकते हैं। ये पहला प्रोडक्ट है जिसमें इतनी मात्रा में ये तत्व मौजूद हैं, 44 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, एंड वी आर क्लेमिंग इट विथ रिटन ऑन दैट डब्बा। जो आप डब्बा पे भी देख रहे हैं यही वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये 44 पहला ऐसा प्रोडक्ट है पूरे भारत में जिसमें इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, वाइटल न्यूट्रिएंट एक साथ मौजूद हैं साइंटिफिक तरीके से। तो ये एक बात है। दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें 15 इम्यूनिटी बूस्टर्स मौजूद हैं उस 44 के अलावा। 15 इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है मार्केट में, फार्मा से लेके सप्लीमेंट तक, जिसमें इस तरीके से ये प्रोडक्ट में 15 से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स मिले। इसके अलावा इसमें 9 जो है बेनिफिशियल हर्ब्स हैं, 9 बेनिफिशियल हर्ब्स इसमें डाले गए हैं, वो सारे के सारे मौजूद हैं इसमें। ये भी इस प्रोडक्ट को एकदम बेहतरीन बनाता है। अब एक तीसरी बात करते हैं विटामिन सी और जिंक की, जिसको इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरत है। तो विटामिन सी की पूरी आरडीए मात्रा 500 mg विटामिन सी चाहिए, वो पूरी की पूरी इसमें मौजूद है, और जिंक वो पूरा का पूरा मौजूद है। तो ये विटामिन सी और जिंक जो है ये इसमें मौजूद है। और जीरो शुगर है, ना तो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना ही एक्चुअल शुगर है, शुगर है ही नहीं, किसी तरीके का शुगर इसमें है ही नहीं। तो एकदम क्लियर है डायबिटिक के लिए, कैलोरी कंसस के लिए, आप शुगर नहीं लेते हैं उसके लिए, सब चीज के लिए शुगर है ही नहीं इसमें, कोई शुगर नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं। तो ये इसका एक खास बात हुआ। अब कुछ और इसके फीचर्स समझते हैं कि ऐसा क्या खास है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा क्या खास है वो मैं बताने वाला हूं। तो ये सारी कुछ जो मैं बता रहा हूं वो खासम खास है। क्यों खासम खास है? क्योंकि इंडिया में कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, किसी का भी कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो इसके लेवल में आ जाए और कहे कि हमारे पास जो है 44 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कहे कि 15 जो है इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, 9 जो है बेनिफिशियल हर्ब्स हैं, विटामिन सी और जिंक से लोडेड है, जीरो शुगर है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम बात करते हैं कुछ और खासियत की। ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, कैसे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, ये जो है आपके विटामिन्स और मिनरल्स की पूरी मात्रा को पूरा करता है। आपको उसके बाद टेंशन नहीं लेना है कि विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी पूरी की पूरी पूरी हो गई। बच्चे के लिए, वुमेन के लिए, बूढ़े के लिए, आपके लिए, किसी भी सदस्य के, आपके परिवार के किसी भी चहेते व्यक्ति के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की पूरी खुराक, पूरी की पूरी डोज जिसको कहते हैं, आपकी पूरी है। ये इस तरीके का प्रोडक्ट। एसेंशियल हर्ब्स, कभी भी प्रोडक्ट को नेचुरल करने जाएं और एसेंशियल की बात करें तो फिर ये एसेंशियल हर्ब्स के साथ है, वो एक बड़ा फीचर है इसका। और दूसरी फीचर ये है कि ये ग्लूटेन फ्री है, शुगर फ्री है, ये तो मैंने आपको बताया कि जीरो शुगर है, लेकिन ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनली काफी इसको ये किया जाता है, गेहूं के छिलके के अंदर के हिस्से में पाया जाने वाला चीज होता है जिसको ग्लूटेन कहते हैं, और ग्लूटेन को अवॉइड करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, सेलियाक डिजीज किसी को होती है, तो ग्लूटेन की बात हो रही है। दो इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, लेकिन यदि लेना देना है और यदि सही में आप उतना कंसस हैं तो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है आपका, प्रूवन, क्योंकि इसमें किसी तरीके का ग्लूटेन का सामान नहीं डाला गया। इसके अलावा और भी बात समझते हैं तो ये क्या है, इसमें रियल फ्रूट्स पाउडर रखा है, इसीलिए ये प्रोडक्ट एकदम स्पेशल हो जाता है। किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा हेल्थ ड्रिंक एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें रियल फ्रूट पाउडर्स रखे हैं, इसमें रियल फ्रूट्स पाउडर रखे हैं उन तत्वों को लेने के लिए। तो रियल फ्रूट्स पाउडर है, ग्लूटेन फ्री है, न्यूट्रिशन में एकदम हाई है, जीरो शुगर है, विटामिन सी, जिंक है, और 44 के 44 वाइटल न्यूट्रिएंट है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताई। और समझते हैं तो ये है क्या, एक लाइन में कहें, इतनी सारी बातें बताई हमने, आप एकदम ओवरवेलम्ड हैं,
लेकिन एक लाइन में समझे कि ये प्रोडक्ट है क्या। तो ये प्रोडक्ट जो है इजी एंड कन्वीनियंट वे फॉर योर डेली डोज ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी है। मतलब आपको और आपके परिवार के डेली डोज जिसको कहते हैं ना कि रोजाना जो रिक्वायरमेंट है किसकी न्यूट्रिशन की और इम्यूनिटी की, पोषण की और प्रतिरोधक शक्ति की, उसका सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है। इसका दो चम्मच लिया सब काम हो गया, ये वो प्रोडक्ट है। और थोड़ी कुछ बातें समझते हैं। इस प्रोडक्ट की एक खासियत मैं बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको ट्राई करें और चैलेंज के साथ ट्राई करें। अब क्या प्रोडक्ट की खासियत है वो मैं बताता हूं। ये प्रोडक्ट का एक ऐसा गुण है कि ये जो है किसी भी ट्रीटमेंट को, किसी भी मेडिसिन को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है शरीर की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी बीमारी है, आपके घर में किसी को कोई भी बीमारी है और वो उसकी दवा ले रहा है। समझ लीजिए कि उसको, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को अस्थमा है, किसी को कोई और बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ भी है फॉर दैट मैटर, छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी, उस बीमारी के लिए यदि वो दवा ले रहा है तो दवा, शरीर दवा को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, शरीर उस इलाज को, चिकित्सा को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि शरीर की न्यूट्रिशन लेवल कितनी है। और एक और बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो गट है, जो पूरा पाचन सिस्टम है, वो कितना बढ़िया है वहां पे, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन गट का आपके दिमाग से है। और वो जो अनुभूति है दवा के सूट होने का, नहीं होने का, दर्द की अनुभूति कम होने का, ज्यादा होने का, ये सारा कुछ का कनेक्शन यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है तो सब ठीक है, और इसका कनेक्शन गट से है, और ये जो प्रोडक्ट है उसका कनेक्शन इन दोनों बातों से है। तो ये क्या करता है, बड़े मैजिकल तरीके से करता है और 2 वीक में रिजल्ट देता है। आपका एक डब्बा 1 महीना चलेगा, आपके 2 वीक में रिजल्ट आएगा, और दूसरा डब्बा बोलने के लिए आपको किसी को बोलना, रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, डब्बा अपना काम करेगा। क्या करना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का दवा ले रहा है वैसा व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर घर में मिलेगा। आप मिरर के सामने जाके खड़े हो जाए, आईने के सामने, तो आप खुद ही मिल जाएंगे। आप इसको लेना शुरू करें, वो दवा चालू रखें, आप देखेंगे कि दवा बहुत ज्यादा शूट कर रहा है और आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, तो वो पूरा का पूरा जो आपका बॉडी का रिस्पॉन्डिंग है ट्रीटमेंट के प्रति, दवा के प्रति, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने कितने प्रेजेंट हैं। कुछ क्रिटिकल माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके इम्यून सेल को प्रभावित करते हैं और उसी से दवा के रिस्पॉन्डिंग का लेना देना है, उसी से आज के कोविड का उपचार का भी लेना देना है। तो वो जो पूरा का पूरा इम्यून सेल्स है उसमें विटामिन डी आता है, सी आता है, जिंक आता है, सेलेनियम आता है, आयरन आता है, प्रोटीन आता है, प्रोटीन के अंदर जो ग्लूटामाइन होता है एमिनो एसिड का वो आता है, और ये सारा कुछ जितना मैंने बताया वो सब इस डब्बे में मौजूद है। आपने 2 चम्मच लिया, वो सारी मात्रा में आ गई, तो आपका वो पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज कर देता है। तो इस स्लाइड पे मैंने आपको ये बताया कि आपके ट्रीटमेंट को, आपके मेडिसिन को आपका शरीर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। ये एक अजीब बढ़िया सा चीज है। तो किसी भी व्यक्ति को यदि आप बीमार है, बीमारी से आया है, या कोई चीज की दवाई लॉन्ग टर्म ले रहा है, तो उसको ये आप गिफ्ट करेंगे, इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं होगा। और यदि आपके घर में कोई ले रहा है तो गिफ्ट दिस, इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं होगा। यदि आप खुद हैं, खुद को गिफ्ट कीजिए, ये एक बात हुई। दूसरी बात करते हैं, हमने वो गट की और दिमाग के कनेक्शन की बात की कि यहां बढ़िया है तो यहां बढ़िया होगा। तो न्यूट्रिशन अफेक्ट्स योर डाइजेस्टिव हेल्थ, आपका जो पाचन स्वास्थ्य है उसको न्यूट्रिशन अफेक्ट करता है। जैसे जैसे आप ग्रो होते हैं, ओल्ड होते हैं, जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाते हैं, उम्र आपकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपका पुअर जो गट हेल्थ है, जो पाचन का जो हेल्थ है, उसको डिटेरिएट करता जाता है। और इससे क्या होता है, तो आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो जो एसेंशियल चीजें हैं, उसकी कमी का आंकड़ा शुरू हो जाता है। और ये सप्लीमेंट क्या करता है, उसमें कोई भी इस तरह का सप्लीमेंट जब आप लेते हैं तो वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। न्यूट्रीव्यूनो क्या करता है, तो वो जो है लो कार्सिनोजेनेसिटी की बात करता है, जिसकी कैंसर से लेना देना है, आपका मिनरल एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर देता है। मतलब आपके पाचन होते समय बहुत सारे मिनरल्स को, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है, उसके एब्जॉर्प्शन को, उसके परिशोषण को बढ़ा देता है। और
उसके जो सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है आपका उसको घटा देता है, आपकी लिपिड प्रोफाइल अच्छी होती है, आपका ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो बेहतर होते हैं, तो ये उस तरीके से आपका डाइजेस्टिव हेल्थ में मदद करता है। ये आपको इन्फेक्शन से बचाता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। वो कैसे करता है तो उसको साइंस को समझेंगे यदि, तो एसेंशियली क्या होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, माइक्रो जो बारीक बारीक न्यूट्रिएंट की लिस्ट मैंने आपको गिनाई, वो क्या करते हैं तो वो बॉडी को एंजाइम प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, हार्मोन बनाने में मदद करते हैं, और एसेंशियल होते हैं वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ये सब चीजों में काम करते हैं। बिकॉज आपका पूरा बॉडी एंजाइम पे हार्मोन पे चल रहा होता है, तो हर तरीके के, जैसा मैंने एक छोटा जिंक का एग्जांपल बताया कि वो 300 से ज्यादा तरीके के एंजाइम्स बनाने में मदद करता है, तो वो सब जगह पे माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल होता है। ये क्या करता है कि ये बॉडी को स्ट्रेंथन करने में और उसका नेचुरल डिफेंस सिस्टम को बरकरार रखने में मदद करता है। शरीर को डिफेंस सिस्टम अपने आप है, आपको कुछ भी होगा शरीर अपने आप प्रोटेक्ट कर लेगा, प्रोवाइडेड आपने उसको न्यूट्रिशन दिया हुआ है, पोषण दिया हुआ है। शरीर खुद रक्षा करने के कैपेबल है, शरीर को कोई बाहर से रक्षा की जरूरत नहीं है, इसका खुद का रोग प्रतिरोधी शक्ति है। बट वो शक्ति कब काम करेगा, जब बैलेंस न्यूट्रिशन होगा। तो बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है आपका बैलेंस न्यूट्रिशन, और वो इस प्रोडक्ट के अंदर ठुक ठुक कूट कूट के रखा हुआ है। इसलिए ये प्रोडक्ट एकदम चमत्कारी प्रोडक्ट हो जाता है, इसका कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। कभी कभी इस प्रोडक्ट का आपको रिजल्ट इस तरीके का मिलेगा कि किसी का घुटने में दर्द है और पता चला कि घुटने का दर्द बेहतर हो गया, इस प्रोडक्ट से वो बेहतर नहीं हो गया, हुआ यूं कि उसका माइक्रो न्यूट्रिएंट पूरा का पूरा डेली बेसिस पे एड्रेस होने लग गया, तो वो बेहतर हो गया। अचानक पता चला कि किसी का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, किसी का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि ये आपके बैलेंस न्यूट्रिशन को, संतुलित पोषण को रीस्टोर कर रहा है, ताकि आपका शरीर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को रीस्टोर कर ले और सब कुछ बढ़िया चले, सब ग्रोथ बढ़िया हो, हॉर्मोन्स अच्छे से बने, एंजाइम्स अच्छे से बने, और वही चाहिए शरीर को। शरीर को केवल सपोर्ट चाहिए, बाकी शरीर अपना काम कर ले। तो वो एक बात हुई। एक और चीज समझते हैं इन्फेक्शन से रिलेटेड, कि न्यूट्रीम्यूनो में क्या क्या है जो इन्फेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं। विटामिन ए है, सी है, ई है, फॉलिक एसिड है, जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, और यही सब सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी के लिए बेसिस हैं। यदि आप किसी को कोविड की प्रेस्क्रिप्शन चेक करेंगे, कुछ करेंगे, तो आपको यही सारी चीजें मिलेंगी। वो सारा कुछ इसके अंदर प्रचुर मात्रा में, डोज में अवेलेबल है, ताकि आप दो ही चम्मच लें और वो आपको पूरी तरीके से मिल रहा है। जब ये इस तरीके से काम करे तो ये क्या करता है कि आपके सेल्यूलर लेवल पे ये सिंक हो जाता है, और सिंक होने से ये एक प्रोटेक्टिव एक्टिविटी के काम करने लग जाता है और आपकी इम्यूनिटी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, डेवलप करता है। अब बात करते हैं कि ये है किसके लिए, न्यूट्रीम्यूनो किसके लिए है, हमारे लिए है, आपके लिए है, बच्चे के लिए है, बूढ़े के लिए है। तो मैंने एक इमेज रख दिया है, पिक्चर रख दिया है आपके पास इस स्लाइड पे। इस तस्वीर को देख के आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये सब के लिए है। जिस तस्वीर में आप देखेंगे तो मैंने छोटा बच्चा भी दिखाया है, बढ़ता हुआ बच्चा दिखाया है, तरुण दिखाया है, युवा दिखाया है, हमारे आपके जैसा भागदौड़ वाला आदमी भी दिखाया है, एजिंग होता हुआ आदमी भी दिखाया है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी दिखाया है। सेम केस में यदि आप एक महिला और बच्ची की बात करेंगे तो एक छोटी बच्ची दिखाई है, एक बड़ी होती बच्ची दिखाई है, एक युवती दिखाई है, और हमने दिखाते दिखाते एक ओल्ड एज महिला दिखाई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 महीने से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए जबरदस्त चीज है, इससे बढ़िया सप्लीमेंट नहीं हो सकता। डेली सप्लीमेंट, डेली, जिसको कि आप मिल्क में डाल के ले सकते हैं, ऑल एज ग्रुप के लिए ये प्रोडक्ट है। 6 महीने से नीचे के लिए नहीं, क्यों बोला, क्योंकि 6 महीने से कम के बच्चे के लिए माता का दूध सर्वोत्तम आहार है, उसको रिप्लेस करना नहीं चाहिए। लेकिन 6 महीने के बाद से ये एक प्रोडक्ट हुआ जिसको कि कोई भी कभी भी ले सकता है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। बच्चे की रिजल्ट की बात करूं तो आप देखेंगे कि उसकी एकाग्रता, उसकी स्मरण शक्ति, उसकी एकाग्रचित्ता, उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन कई लेयर बढ़ जाएगा। और जब बढ़ता है तो इसका क्या मतलब हुआ, सारे बैलेंस न्यूट्रिशन, प्रॉपर हार्मोन और पूरी जो एंजाइम्स की बात मैंने की, इस लेवल पे जाएगा। उतने हर्ब्स की बात की जिसमें शंखपुष्पी भी है, ब्राह्मी भी है, वाचा भी है, बहुत सारी चीजें। तो यदि उसकी बात करें तो बच्चा परफॉर्मेंस में आगे बढ़ेगा, एग्जाम्स में बेहतर करेगा, स्ट्रेस कम लेगा, नींद अच्छा लाएगा, सब कुछ होगा। अब ये बच्चे की बात हो गई,
अब दूसरे की बात करें, हमारे आपके जैसे बच्चों की बात करें, हम पूरी जिंदगी एग्जाम दे रहे हैं, हम पूरी जिंदगी दिमागी तनाव से गुजर रहे हैं, हम पूरी जिंदगी ज्यादा रैम इस्तेमाल कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ आर माइंड, तो ये सारी जगहों पे इसकी जरूरत है, तो ये वो बात हो गई। किसी के पास यदि बुजुर्ग की बात करें तो हमारा बॉडी क्या करता है, एक तरह के चेंज से अंडरगो होते रहता है, बॉडी हमारा चेंज से गुजरता है, और यू मे फील टायर्ड, आप दिन में अचानक थक जाते हैं, या कभी कभी लगता है ना कि अभी अभी बहुत एनर्जी लेवल कम हो रहा है, दोपहर के बाद आप थक जाते हैं, कड़क चाय मंगाते हैं, सिगरेट मंगाते हैं, ये मंगाते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी सॉरी न्यूट्रिशन लेवल को प्रॉपर करें, और वो अपने आप बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके लिए इससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं हो सकता। आप कभी देखे देखें उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम, बिकॉज बुजुर्ग के लेवल में बहुत सारी चीजें डिटोरिएट हो रही हैं, उनका स्लीप में प्रॉब्लम है, उनके इसमें प्रॉब्लम है, उनके कहीं पर तकलीफ हो रही है, कहीं दर्द हो रही है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, सारी की सारी चीजें बेहतर होने लग जाएंगी, और ही विल से कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट हुआ जो बच्चे से लेके बूढ़े तक, बीमार से लेके स्वस्थ तक, पुरुष से लेके महिला तक, हर आदमी के लिए एक प्रोडक्ट है, और ये उन सारी चीजों को रिप्लेस करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी हेल्थ ड्रिंक जो आप बचपन से पीते चले आ रहे हैं, बड़ा ब्रांड जो टीवी पे ऐड देता है, लेबल पढ़ना सीखिए। मैंने आपको जैसा बताया, आप लेबल पे पढ़िए क्या लिखा होगा उसके, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, 20-25 प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल है, आप उसका लेबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा माल्ट और शुगर और कोकोआ पाउडर टेस्ट के लिए, दैट्स ऑल, और शुगर भी वो गंदा वाला शुगर होगा, सैक्रीन एंड ऑल दैट। तो आप शुगर ले रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक रोटी तोड़िए, दूध में डालिए और एक आधा चम्मच शक्कर लीजिए, और वो ज्यादा पौष्टिक है उससे। लेकिन आप प्रोडक्ट की बात करें और इसके लेबल को पढ़ें, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। और एक फैंटास्टिक प्रोडक्ट है जिसका 1250 रुपया प्राइस है, 500 ग्राम का प्रोडक्ट है, एक महीना एक व्यक्ति के लिए चलना है, आपके लिए नेक्स्ट मनी में ये सिर्फ 999 रुपये में अवेलेबल है, और उसके बाद भी आपको 10% का डिस्काउंट है इसके ऊपर, और उसके बाद भी इस पे आपको बहुत सारे जो आपके ऑफर्स हैं, जो पीवी की बातें हैं, लेवल पीवी की बातें हैं, वो सारा कुछ इस पे अप्लाइड है। तो ये वो प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट है जो मैंने आपको अभी तक बताया, सारी बातें मैंने आपको रिपीट करके बताई, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है इसलिए इतना कुछ इसमें समाहित कर पाए हैं, और हम बता पा रहे हैं कि इंडिया का ऐसा प्रोडक्ट है जो दूसरा किसी के पास नहीं है, तो इस तरीके का प्रोडक्ट का बात किया। सर्टिफाइड प्रोडक्ट है विथ ऑल दीज मानक्स, वैल्यू फॉर मनी है जैसा मैंने बताया, और ये जो है आपके नेक्स्ट शॉपी में अवेलेबल है, बाकी जगहों पे तो अवेलेबल है लेकिन आपके नेक्स्ट शॉपी में आपके लिए अवेलेबल है, आप बटन दबा के इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं अभी क्वेश्चन आंसर के लिए हूँ, और आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, हैंड रेज करें और मैं आपके सवाल का लाइव जवाब दूंगा, मैं इसको बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ग्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ग्रेट प्रोडक्ट। और अभी मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों का हैंड रेज है, हमारे बीच में है गोल्ड रमेश पलाचारिया जी, एक मिनट में सर आप अपने तरफ से उनको अनम्यूट करें, मैं लगता है कि होश चला गया, मैं उसको रिक्लेम करता हूं। अच्छा मेरे पास तो कुछ कोई नहीं सर, आई गॉट इट। ओके एक दो सवाल का मैं क्विक जवाब दे रहा हूं जो हमें चैट में दिख रही है। कैन प्रेग्नेंट लेडी टेक दिस? यस, एक्चुअली उनके लिए बहुत ही बेहतर है, कोई भी प्रेगनेंसी के समय में बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। भारत सरकार भी जब एडवर्टाइज करता है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय, तो वो ये कहता है कि आपके थाली में संपूर्ण पोषण होना चाहिए, और ये उसी थाली में संपूर्ण पोषण देने का सबसे नायाब तरीका है। तो ये महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। प्लस एक किसी ने पूछा कि दूध में लेना है कि पानी में लेना है, स्क्रॉल बहुत तेजी से जा रही है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बताया कि दूध में लेना है, पानी में लेना है। दूध में लिया बेहतर है, दूध से एलर्जी है, दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो पानी में लीजिए, लेकिन दूध में लेके एक बार बच्चे को टेस्ट आपने दिलवा दिया, ये बढ़िया फ्रेंच वनीला फ्लेवर में मौजूद है तो आपको इसका फ्लेवर बहुत पसंद आएगा, और दूध में पानी में कभी ले सकते हैं। यस सर प्लीज। मिस्टर सुंदर चंद्रवंशी जी स्वागत है आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, बहुत ही सुपर जानकारी हम लोगों के बीच में डॉक्टर राजेश सर। ये सर शॉपी में अवेलेबल नहीं शो हो रहा है सर, इसको काफी दिन से चेक कर रहे हैं, शॉपी में दिख नहीं रहा है। मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, वो ऑपरेशन टीम बता पाएगी।
जी सर, ये ऐप में अवेलेबल है इतना मैं जानता हूँ, और मैं ये जान रहा हूँ कि ये काफी बहुत ज्यादा तेजी से डिस्पैचेस हो रहे हैं इसके, तो आप ऐप से आप परचेज कर सकते हैं, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। और शॉपी का आप अपने ऑफिस से या डाउनलाइन से अपलाइन से पूछेंगे तो पता चलेगा। ओके थैंक यू सर जी। मालती दास जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, स्वागत है आपका। मालती जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये सर गुड इवनिंग, बताएं पूछें अपना सवाल। सर मैं पूछ रहा हूँ, जब बच्चा खाएगा 10 साल बच्चा खाएगा तो आवाज आपकी नहीं आ रही है, टूट आपकी आवाज टूट जा रही है, शायद आपका सिग्नल वीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। प्रवीण जी तब तक आप अपना क्वेश्चन रखें। जी गुड इवनिंग सर। यस सर गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये न्यूट्री इम्यूनो आपने बताया, इसको लेने का समय है 2 चम्मच लेना, तो दोनों सुबह शाम लेना या एक साथ लेना है? कभी भी ले लें, जैसा मैं बताता हूँ हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में, लेबल पे कोई चीज लिखी रहती है क्योंकि वो लेबल के रिक्वायरमेंट होती है कि पैक डेट, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर, उस तरीके से लिखी रहती है। बट ये सप्लीमेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सप्लीमेंट है। आपको बोला जाए कि दूध दूध कब लेना चाहिए, सुबह में लेना चाहिए कि शाम में लेना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि जब हमारी इच्छा हो जाए तब ले लेंगे। तो आप कभी भी 2 चम्मच ले सकते हैं, खाने के पहले ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, खाने में मिला के ले सकते हैं, कोई इसका लेना देना नहीं है। जिसका मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं कि जैसे सप्लीमेंट हमेशा ऐसी चीज है जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो आप जैसे सेव लेते हैं, आप बोले सेव बहुत अच्छी चीज है खाना चाहिए, और आधा सेव रोज खाएं तो बहुत अच्छा है, तो आप बोले कि आधा कहीं पौना खा लिया तो क्या होगा, सुबह में खाएं कि शाम में खाएं, आप जब मर्जी तब खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा दूसरा ये है कि जैसे वेट मैनेजमेंट में अगर हम काम कर रहे हैं तो प्रोटीन के साथ भी ये चलेगा या गैप करना पड़ेगा? इनफैक्ट वेट मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो कोई भी तरीके का जब तिक्रम आप अपनाते हैं, चाहे वो फास्टिंग करते हैं, चाहे वो कुछ चीज करते हैं, तो होता क्या है कि आप कुछ चीजों को छेड़ देते हैं जहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट छिड़ जाते हैं, जो एंजाइम बनने की प्रक्रिया है वो छिड़ जाती है, और ये लेते रहने से वो प्रक्रिया बनी रहती है। प्रीति सक्सेना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। प्रीति सक्सेना। हेलो सर। सर ये आपने इसमें बताया कि इसमें जितने भी हैं वो सब फाइबर्स हैं जी, मतलब फाइबर्स की तरह वर्क करता है, तो जिनके लीवर कमजोर हो क्या उनको भी हम दे सकते हैं? जी जी जी, इसमें कोई इशू नहीं, लीवर किडनी इससे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज उन सारी चीजों में मैंने तो एक ही लाइन बताया कि कोई भी किसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका दवा चल रहा है, इलाज चल रहा है और केयर चल रहा है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे रीनल हो, चाहे कोई चीज हो, उस पे ये बहुत अच्छा काम करेगा, बिकॉज उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलेंगे। इसमें सबसे अच्छी चीज है, कोई चैट में मैं भी स्क्रॉल हो रहा था, देख रहा था, कोई नींद के बारे में पूछ रहा था, सबसे बढ़िया रिजल्ट नींद पे आएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी और वहीं से सारा मामला शुरू होगा। तो दो ही चीज करेगा, नींद बहुत अच्छी आएगी और पाचन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, और नींद और पाचन यही 2 सब बीमारियों के जड़ हैं। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होगी। नहीं वो ठीक है, लेकिन फाइबर्स जो है ना वो हमारे पाचन क्रिया को सॉफ्ट करते हैं ना, तो इसमें सोल्यूबल फाइबर्स है ना, इसकी फाइबर्स जो है हाई क्वालिटी सोल्यूबल फाइबर्स इस्तेमाल किए गए हैं। मैंने अंडे का फाइबर्स यूज किया था तो मेरी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम हो गई थी, फिर मुझे बंद करना पड़ा था, इसलिए मैंने सिंथेसाइज्ड है। फिर से वही रिपीट करूंगा, मैंने शायद आज से 3 सेशन पहले जब पहली बार शुरू किया था अपना सेशन, तो मैंने उस दिन इन्हीं टॉपिक्स पे पूरा डिटेल लिया था। आप समझिए ऐसी बात है कि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बट ज्यादा करके केमिकली सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं बाजार में। हमने एक ही चीज रखा है कि गोयंग जो प्रोडक्ट है, गोयंग जो ब्रांड है, वो हमेशा 100% वी कॉल इट ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑल नेचुरल। तो जो आप डाल रहे, इसीलिए हमने किसी तरीके का प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, किसी तरीके का केमिकल सिंथेसाइज्ड आइटम नहीं डाला है, जो डाला है वो नेचुरल नेचुरल है। तो ऑफ कोर्स जो आपके फाइबर्स हैं वो फाइबर्स केमिकली सिंथेसाइज्ड नहीं है, तो ना तो ये बाउंस बैक करेंगे, ना ही ये किसी तरीके का प्रॉब्लम देंगे। ओके थैंक यू। यस मैं देवेंद्र जी, देवेंद्र धारा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, स्वागत है आपका। देवेंद्र धारा जी। देवव्रत धारा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यस सर नमस्कार, बताएं सवाल पूछें आप। सर सवाल नहीं है, आज मेरे पास हमारा जो गो यंग का मील रिप्लेसमेंट प्रोटीन पाउडर ये अवेलेबल हुआ है, रिसीव हुआ है। ओके।
और आज ठीक 6 बजे मैं इसको लिया हूँ, 200 ml दूध के साथ 30 ग्राम मिला के मैं अभी लिया हूँ, क्योंकि मैं 6:30 से 7 बजे तक मेरा डिनर कम्प्लीट हो जाता है। ओके, लेकिन अभी भी मुझे बहुत हल्का ही महसूस हो रहा है, भूख का कोई गुंजाइश ही नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, यही मैं रिस्पांस देने के लिए कॉल किया। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मणिपुर से हैं अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका। अशोक कुमार जी, सर मैं थोड़ा बिजी है तो अभी बात नहीं कर पाऊंगा सर, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा। ओके, नो इशू, आपको हैंड डाउन कर लेना चाहिए जो लोग नहीं बात करना चाहिए। सुमिता मजमुदार जी, आप असम से हैं, स्वागत है आपका। सुमिता मजमुदार, गुड इवनिंग सर। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी। मैम बताएं। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो कैल्शियम का, जो किसी को अगर कैल्शियम की प्रॉब्लम हो, कैल्शियम की दवाई ले रहा है, तो उस उनको क्या लेना चाहिए, और जो पेन किलर यूज करते हैं तो पेन किलर की जगह में क्या यूज करना चाहिए? न्यूट्री लाइफ जो आपने अभी समझा, न्यूट्री म्यूनो को वो लेना चाहिए, बिकॉज न्यूट्री म्यूनो जो है आपको जो है उन सारी चीजों से धीरे धीरे एक झटके में नहीं करेगा। पेन किलर एक अल्टरनेटिव के तौर पर आप ले रहे हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब यदि आप इसको साथ साथ लिया तो आपका धीरे धीरे वो दवा, वो पेन किलर कम होता जाएगा, क्योंकि वो रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट दिया तो वो अपने आप डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो आप एक बड़े काम से बच जाएंगे कि आपको पेन किलर लेना नहीं पड़ेगा, न्यूट्री इम्यूनो वो काम कर देगा। और सर कैल्शियम का? कैल्शियम तो इसके अंदर है ही नहीं, मैंने आपको वो पूरा बताया ना कि इसके अंदर सारी चीजें प्रचुर मात्रा में है जो डेली अलाउंस है। देखिए कैल्शियम डिफिशियंसी कब हुई, जब बहुत दिनों से डिटेरियरेट हो रहा था, जब आप ये डेली डेली ले रहे हैं तो वो एक एक लेवल होते होते आपका एडजस्ट होके प्रॉपर हो जाएगा। ओम प्रकाश पाटले जी फ्रॉम नागपुर, थैंक यू सर। ओम प्रकाश जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। थैंक यू सर, वो हैंड रेस तो नहीं था, बाकी मौका मिल गया तो बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू। नहीं, आपका हैंड रेस था, आप नहीं देख पा रहे थे। शैलेंद्र जी आप अलवर से हैं, स्वागत है आपका। शैलेंद्र जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर बताएं। सर मेरा सवाल ये था कि जामुन और करेला का जो जूस है वो किस नाम से है इसमें? जामुन करेला का तो कोई जूस नहीं है, हमने एक डाबा लाइफ प्रोडक्ट बनाया हुआ है जो जिसमें जामुन भी है, करेला भी है, मेथी भी है, गुरमार भी है, सारा कुछ है। वो किस नाम से है सर? डाबा लाइफ है। डाबा लाइफ डायबिटीज के लिए, डायबा लाइफ। जी जी जी, इसी पर्पज से चाहिए था। जी जी, डायबा लाइफ नाम है। ओके सर, थैंक यू सर। अभी 8:45 हो रखा है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं सर। विष्णु दुबे जी का हैंड रेज आ रहा है। विष्णु जी स्वागत है आपका, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत कई बार से वेट करता था सर। मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ कि जो डायबिटीज है जिसे भी, उसके लिए अभी आपने जस्ट एक आंसर दिया प्रोडक्ट का, डाइबा करके है ना क्या? डाइबा लाइफ, डाइबा लाइफ अभी अवेलेबल है हमारे शॉपी में? जी जी, सारे प्रोडक्ट अवेलेबल, कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, आपके सारे के सारे प्रोडक्ट फुल स्टॉक में अवेलेबल है, कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। आप ऑर्डर करेंगे आपको मिलेगा, आई थिंक बहुत लोगों को दूसरे दिन तीसरे दिन मिल रही है। जी सर, थैंक यू सर, मैंने मात्रा में अवेलेबल है। जी सर, थैंक यू, मैंने अभी ऑर्डर किया था एक जो मिल्क वाला, आपने मिल्क मतलब मील रिप्लेसमेंट करके एक प्रोडक्ट जो था आपका, जी हाँ, उसको तो मैंने अभी 4 दिन पहले ऑर्डर किया और आज मेरे को रिसीव भी हो गया सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इतना फास्ट डिलीवरी तो पहले कभी हुआ नहीं। और सर दूसरी चीज, वो धीरे धीरे आप भरोसा रखें, सब कुछ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी नेक्स्ट मनी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। और सर मैं एक अपने पर्सनली के लिए पूछ रहा हूँ, वो तो डायबिटीज का मदर को है थोड़ा सा, मेरा एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ये जो है ट्रीटमेंट चलता है सर। ओके, इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा सर? स्पॉन्डिलिसिस के लिए तो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है, दैट इज अ डिसफॉर्मेशन एंड ऑल दैट चीजें, बट हमारे पास, देखिए पहले एक बात को समझिए कि गोयंग में किसी चीज की दवाई नहीं है, ये सारे के सारे सप्लीमेंट हैं जो आपके उस चीजों को प्रोटेक्ट
प्रिवेंट करने में मदद करेंगे या कोई बीमारी है तो उसको बेहतर करने में मदद करेंगे। अब यदि स्पॉन्डाइलाइटिस की आप यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो यदि आप न्यूट्री म्यूनो जो आज का प्रोडक्ट था उसको यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दवाई डबल मात्रा में शूट करेगी और बाद में आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई दवा के दिमाग में से दवा को निकाल दीजिए, हम लोग कोई दवा ना बना रहे हैं ना आप दवा ले रहे हैं, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं और सप्लीमेंट्स बेहतरी के लिए हैं, वेलनेस के लिए हैं, दवा के लिए नहीं। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि कोई दवा नहीं यहाँ पे, बट वही सप्लीमेंट के तौर पे जैसे आर्थराइटिस वालों के लिए ये एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमारा मैंने वही बताया, मैंने बताया कि न्यूट्री म्यूनो लेने वाले बहुत सारे लोगों का घुटने का दर्द, आर्थराइटिस, साइटिका सब क्योर होने लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका दवा है, क्यों क्योर होता है वो मैंने स्लाइड में बीच में घुस के बताया कि इन इन वजहों से वो सारी चीजें बेहतर होने लगती है क्योंकि आपका शरीर उस इलाज के प्रति, दवा के प्रति रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, डबल मात्रा में रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर जान के, मैं पक्का खुद यूज करूंगा और साथ में दूसरों को भी रिकमेंड करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सबको दिया। थैंक यू सो मच। आज जो है अगला सेशन हमारा रविवार को है और कृपया समय नोट करें, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग 5-7 मिनट के बाद पहुंच रहे हैं, तो ये जो समय है वो 7:45 का है। 8 बजे का सेशन अभी 7:45 पे हो रहा है पिछले 3 दिनों से, तो 7:45 का समय है। अगला सेशन हमारा रविवार को है 7:45 पे, तो मिलते हैं फिर रविवार को एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ, एक दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर एंड गुड नाइट। यस दोस्तों, अभी जितने लोग इस सेशन में हैं, जो लोग ट्रेनिंग सेशन के लिए आने वाले हैं, 8:45 पे से लॉगिन होता है उसका, आप लोग ट्रेनिंग सेशन में जरूर जुड़ जाएं और फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एंड ग्रेट डे अहेड।